बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएफएल लाइफ साइंसेज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, इस आईपीओ के अंदर आज की डेट में क्या जीएमपी चल रही है वो हम आपको बताने वाले हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम लाइव इस आईपीओ की आपको पता चलेगी, एक लोट पे कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वो भी जानेंगे। ये कंपनी क्या करती है, इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स क्या है, और ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो सब के सब आज की डेट में सॉल्व होने वाले हैं। लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ क्या है, और बड़े बड़े यहाँ पर जो रिव्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इस आईपीओ से रिलेटेड क्या कहना है वो हम जानेंगे। आई होप दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना कर देंगे हर बार की तरह आप वीडियो को, क्योंकि लाइक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियोज नहीं मिलेंगी। और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप एक प्यारा सा लाइक करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी एक्चुअली करती क्या है, ये मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल मतलब कि जो हमारी यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ वगैरह को बनाती है। क्या क्या बनाती है अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें ड्राई पाउडर इंजेक्शंस हो गए, बी लैक्टम जिनको बोला जाता है, टैबलेट्स और कैप्सूल ये कंपनी बनाती है, ओरल डोसेज भी बनाती है इन दी फॉर्म एंड टैबलेट एंड कैप्सूल्स की फॉर्म के अंदर, ओरल टैबलेट्स बनाती है, सॉलिड ओरल डोसेज फॉर्म में बनाती है, और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जब हमको यहाँ पर काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो रिहाइड्रेट करने के लिए यहाँ पर ORS की इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरह की चीजें कंपनी यहाँ पर बनाती है। और दोस्तों साथ साथ JFL Life Sciences जो कंपनी है इसकी जो मेन स्ट्रेटेजी है बेचने की वो है कि ये प्रोडक्ट्स को बल्क में सेल करती है फार्मास्यूटिकल मार्केटर्स को, जो कि बाद में मार्केटर्स और ट्रेडर्स को सेल करती है, जो कि बाद में नॉर्मल कस्टमर्स को सेल करते हैं, और इसके थ्रू इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। दोस्तों JFL Life Sciences है वो लिमिटेड नहीं है पैन इंडिया के अंदर, ये पूरे वर्ल्ड में भी काफी जगह बेचती है, यानी कि टोटल 10 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। ये जो कंपनी है ये अफ्रीकन, मिडल ईस्टर्न और CIS कंट्रीज के अंदर बेचती है, और मतलब काफी ज्यादा इनको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। इसके साथ POS भी है यहाँ की कीनिया के साथ, नाइजीरिया, यमन, कंबोडिया, म्यांमार, जहाँ पर कि ये मैन्युफैक्चर करती है और साथ में वहाँ पर सेल भी करती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू की तो अपने स्क्रीन पे जो डाटा देखने वाले दोस्तों वो रुपीस लैक्स में होने वाला है। अब रेवेन्यू की अगर बात करें तो 2019 के अंदर इस कंपनी के पास जो टोटल रेवेन्यू आया था वो 3,177 लाख रुपीज का था, जो कि उसके बाद में थोड़ा यहाँ पर हमको इंक्रीज देखने मिल रहा है। मार्च 2021 तक ये 3,286.89 लाख रुपीज इंक्रीज हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो इतने रेवेन्यू के अंदर से टोटल प्रॉफिट आया था 30.25 लाख रुपीज, जो कि काफी कम है। उसके बाद में 31st को देख सकते हो आप, 31st मार्च 2020 को ये 36 हुआ, फिर 54 हमको 2021 के अंदर देखने मिल रहा है, और लेटेस्ट की अगर बात करें तो रेवेन्यू ऑफ 2,563 में से इसको प्रॉफिट हुआ टोटल 253, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है, बट यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ऑलमोस्ट 5 times का प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें यहाँ पर शक की नजरों से देखने पड़ रहा है इस कंपनी को, इतना रेवेन्यू कैसे आया है, लेकिन मे भी यहाँ पर 21 से लेकर 22 के उन्होंने रेवेन्यू मॉडल जो चेंज किया हो, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन मार्क लग के रहता है कि कंपनी के पास इतना ज्यादा प्रॉफिट इतने ही दिनों में कैसे आ गया है, क्योंकि जो लास्ट जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट यहाँ पर दिया गया, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। कंपनी की टोटल नेटवर्थ आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, रिजर्व्स भी इस कंपनी के पास कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ ही रहे हैं, 637 लाख रुपीज के रिजर्व टोटल 2021 के अंदर इस कंपनी के पास पड़े थे। अब इसी साथ बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ जो है 25th को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 30 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट में आपको अप्लाई करना है, अवॉइड करना है, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर हम बात करें तो 2000 शेयर्स हैं एक लोट के अंदर, और एक लोट के अंदर 61 रुपीज़ का पर शेयर पड़ने वाला है आपको। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1,22,000 रुपये आपको सेफ रखने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, तभी जाके आप इस आईपीओ के अंदर एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। 5th को इसकी अलॉटमेंट होने वाली है, 5th सितंबर को। 6th को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तो, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाती है तो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर 7 सितंबर को आ जाएंगे। 8 सितंबर को इस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो अभी तक अगर देखा जाए HNI कैटेगरी अभी तक फुली सब्सक्राइब नहीं हुई है इस आईपीओ की, कल लास्ट डेट है, तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मुझे कम देखने को मिल रहा है बाकी आईपीओ के अकॉर्डिंग। रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी 3.71 times सब्सक्राइब हो चुकी है इस आईपीओ में, अगर टोटली बात करें तो 2.13 times ये आईपीओ ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है। अब HNI कैटेगरी में अभी तक यहाँ पर कोई भी ज्यादा अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रही है, ऑल्दो ये कि यहाँ पर SME आईपीओ है, तो SME आईपीओ के अंदर तो बहुत ह्यूज सब्सक्रिप्शन हो जाती है लास्ट डेट तक, तो 30th इसकी लास्ट डेट है। 30th को हम देखते हैं कि कितना आपको इस आईपीओ के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता है, कितनी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइनल स्ट्रेटजी यहाँ पर रहने वाली है। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ पर रिव्यू की बड़े बड़े कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो एक ब्रोकर ने बोला सब्सक्राइब का, एक मेंबर ने बोला सब्सक्राइब का, और एक मेंबर ने यहाँ पर अवॉइड के लिए बोला, तो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स यहाँ पर है।
फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिलीप दावड़ा जी हैं जो रिव्यू करते हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ से, उन्होंने यहाँ पर मे अप्लाई के लिए बोला है, यानी कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अभी मे अप्लाई यहाँ पर क्यों आ रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर रिव्यू पढ़ेंगे दिलीप दावड़ा जी का, जो आपके सामने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो द कंपनी इज इन द फार्मा सेक्टर एंड हैज ऑलरेडी क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी फॉर इट्स प्रोडक्ट लाइन्स एंड हैज द नेसेसरी सर्टिफिकेशन एंड इन हैंड ग्लोबल मार्केट। यानी कि जो कंपनी है इसके पास अच्छे खासे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि ये ग्लोबल मार्केट में सेल कर पा रही है। ड्यू टू द पेंडेमिक एंड द थ्रस्ट ऑफ एक्सपेंशन इट पोस्टेड स्टैटिक टॉप लाइन बट मैनेज टू गेट हायर मार्जिन फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी के काफी ज्यादा अच्छे बिके हैं कोरोना के कारण भी आप कह सकते हो, और एक्सपेंडिंग इसका बिजनेस उसके कारण। सो इट्स नाउ रेडी विद एडिशनल कैपेसिटी टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डिमांड। एक्चुअली ये जो कंपनी है अब इसको प्रॉफिट उठाना है, जो इसके पास अच्छा खासा यहाँ पर आपको बैलेंस शीट देखने को मिल रही है उसका प्रॉफिट उठाना चाहती है। तो कंसीडरिंग फैंसी फॉर फार्मा सेक्टर काउंटर इन्वेस्टर में कंसीडर, यानी कि जिनको पसंद है फार्मा सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाने का वो इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने की सोच सकते हैं। अब अप्लाई के साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं इस आईपीओ का प्रॉफिट कितना चल रहा है, यानी कि जीएमपी कितनी चल रही है। अगर हम जीएमपी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ के अभी तक कुछ भी नहीं दिख रही है, बट फिर भी सब्जेक्ट टू रेट्स यहाँ पर 20,000 रुपीज़ के आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एसएमई आईपीओस काफी अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, जितना कि लाइक अभी ओला टेक की बात करें तो 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट उसने एक लोट के ऊपर दिया है। अगर किसी ने अप्लाई किया तो उसको जिसको मिल गया था तो अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो इस आईपीओ के अंदर भी 20K का प्रॉफिट आपको देने को मिल रहा है। बट एसएमई आईपीओस फाइनली अपने आप में काफी ज्यादा रिस्की होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो आईपीओस होते हैं इनकी लोट में ट्रेडिंग होती है। अगर आपको सेल करना है तो मिनिमम 1 लोट करना है, और अगर आपको बाय करना है तो भी मिनिमम 1 लोट ही आपको बाय करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे रिटेलर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एसएमई आईपीओस को बिना रिसर्च के ना अप्लाई करें। जो अच्छे इन्वेस्टर जो रिस्क लेकिंग कैपेसिटी है वो आप इस आईपीओ को थोड़ी रिसर्च करके चेक कर सकते हैं। मुझे अभी तक इस आईपीओ के अंदर लग रहा है कि हो सकता है आपको प्रॉफिट देखने मिले, बट अभी तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस का वेट कीजिए, कल तक क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस आता है। अगर एचएनआई कैटेगरी के अंदर अच्छा खासा अप्लाई करती है तो आप भी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो एक लोट के लिए। बाकी अपनी रिसर्च खुद कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतनी डिस्कशन करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।